यूट्यूब चैनल पे आप ही का अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले दो दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा, खेल मुझे किसी कारण इसमें समय तक नहीं पाया। चलो फिर मैं आपके सामने आज से हाजिर हूँ ग्रामर का एक टॉपिक वीडियो लेकर। लास्ट अपना जो वीडियो था वो अपन नाउन पढ़ी थी, प्रॉपर नाउन के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसी टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। आज अपना नाउन वो हमने पिछली बार प्रॉपर नाउन के बारे में पूरा अध्ययन किया था, आज जो ग्रामर का अपना टॉपिक है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सबको विदित है, कॉमन नाउन का हिंदी अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा सभी पढ़ते हैं, लेकिन आप अपन कई बार इन टॉपिक्स को इजी सोचकर इनको इग्नोर कर देते हैं और वही गलती हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। तो मैं कॉमन नाउन पे अपनी संक्षिप्त छोटी छोटी चीजों की वार्तालाप करने वाला हूँ, जो अमूमन इनको अपने इग्नोर करते हैं, एग्जाम में इन चीजों को पूछ लिया जाता है। सबसे पहले मैं क्लियर चार्ज करना चाहूंगा कि कॉमन नाउन होती क्या है। जैसे a noun that is the name of a group of similar things। कॉमन नाउन की जो अपनी डेफिनेशन है वो कहती है ए नाउन एक संज्ञा, दैट इज द नेम, वो एक नाम होता है, और ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स यानी एक जैसी वस्तुओं का जो कोई समूह है उसको अपन कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैन, मैंने कहा वुमेन, मैंने कहा गर्ल, मैंने कहा कि बॉय, ये जो एक जैसी वस्तुओं का समूह होता है उसको अपन कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने नाम दिया पर्सन, मैंने नाम दे दिया एनिमल, मैंने नाम दे दिया थिंग, और एक नाम हो गया प्लेस। यानी कि कॉमन नाउन है वो एक सिमिलर थिंग्स का समूह होता है, वो समूह व्यक्तियों का हो सकता है, जानवरों का नाम हो सकता है, वस्तु हो सकती है, या प्लेस हो सकता है। जो पर्सन की मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये सभी कॉमन नाउन है। अगर मैं एनिमल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं काऊ, डॉग, एलिफेंट। यानी कि संख्या में कॉमन नाउन बहुत ज्यादा होती है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने दो तीन नाम रखे हैं, जैसे काऊ, डॉग, एलिफेंट, टाइगर भी इसमें मैं नाम दे सकता हूं। कॉमन नाउन में सिमिलर थिंग, जैसे सिमिलर थिंग की ग्रुप में कोई थिंग भी हो सकती है, जैसे मैंने देखा ट्रक, यानी कि कोई ट्रकों का समूह हो सकता है, या फिर मैं कहना चाहूँ टेबल, या मैं कहना चाहूँ बुक, या फिर मैं कहना चाहूँ पेंसिल। अगर मैं आपको प्लेस की तरफ लेके जाऊं तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ जैसे डानी, जिसमें वर्ड दे सकता हूँ टाउन, जैसे वर्ड हो सकता है विलेज, जैसे वर्ड हो सकता है सिटी। यानी कि जो कॉमन नाउन है वो वस्तुओं का एक सिमिलर वस्तुओं का एक समूह होता है। अगर अपन व्यक्तियों के समूह की बात करें, मैं ले लिया वुमेन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, एनिमल में ये सब आ गए, थिंग में आ गए, प्लेस में आ गए। यहाँ पर एक चीज है, अगर मैं कॉमन नाउन को कोई स्पेशल नाम दे दू तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे मैं एक लेना चाहता हूं, जैसे मैंने पढ़ लिया मैन, मैन जो एक जाति है उसमें अगर मैं अलग अलग नाम दे दूं, जैसे मोहन, सुमन, गीता, रोहन, तो वो कॉमन नाम से प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। जैसे वर्ड दिया मैंने वुमेन, वुमेन को अलग अलग नाम दे दिया, जैसे लक्ष्मी, गीता, मीरा, तो वो फिर एक प्रॉपर नाउन की तरफ चला जाता है। जैसे एक वर्ड है डानी, अगर डानी को स्पेशल कोई डानी का नाम दे दिया जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे मैंने कहा टाउन, अगर टाउन को कोई अलग से नाम दे दिया जाए, जैसे अब मानगढ़ टाउन है, तो वो एक प्रॉपर नाउन में चला जाता है। विलेज, गांव, विलेज शब्द अपने आप में कॉमन नाउन है। अगर मैं इसको कोई गांव का नाम दे दूं, जैसे मैंने नाम दे दिया पांडुसर, नीमरासर, रातुसर, भावला, राजासर, विकान, हरियासर, जाटान, तो ये मतलब चला जाता है प्रॉपर नाउन की तरह। कोई भी शहर का नाम, जैसे सरदार शहर, चूरू, बीकानेर, ये सब प्रॉपर नाउन है, बट सिटी शब्द वो अपने आप में कॉमन नाउन है।
इसमें कंट्री शब्द भी आ सकता है, कंट्री कॉमन नाउन है, पर अलग अलग देशों के नाम दे दिए जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर अपन कॉमन नाउन को कोई स्पेशल नाम दे दें तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे मैं कि एग्जांपल के तौर पे आपको और समझाता हूँ कि किस प्रकार कॉमन नाउन को नाम देने से वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद ही तय कीजिएगा कि वो नाउन कौन सी है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, लेट्स गो टू द स्टेडियम, लेट अस गो टू द स्टेडियम। दूसरा शब्द दिया हमने, लेट्स गो टू चिन्नास्वामी स्टेडियम। जो अपनी बात चल रही थी कि किस प्रकार प्रॉपर कॉमन नाउन को एक स्पेशल नाम देने से वो प्रॉपर नाउन बन जाती है, मैंने लिखा लेट्स गो टू द स्टेडियम। अब स्टेडियम कौन सी नाउन, आप अपने आप में सोचिएगा। फिर मैंने कहा लेट्स गो टू चिन्नास्वामी स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम फिर कौन सी नाउन बन जाती है। यानी कि मैंने स्टेडियम कॉमन शब्द है, स्टेडियम तो संख्या में बहुत होता है, स्टेडियम का एक समूह होता है, तो जो कॉमन है शब्द स्टेडियम वो है प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, तो ये अपनी भी कॉमन नाउन। अगर मैंने स्टेडियम को एक स्पेशल नाम दे दिया चिन्नास्वामी स्टेडियम, तो ये कॉमन सी फिर बन जाती है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो मैंने ये कहा था कि कॉमन नाउन को स्पेशल नाम देने से वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। जैसे एक शब्द और लेते हैं, मैं एक दो नाउन आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको कंफर्म करना है कि वो नाउन का प्रकार कौन सा है, कॉमन है या प्रॉपर है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा स्ट्रीट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रीट शब्द नाउन है क्या। स्ट्रीट नाउन है, स्ट्रीट नाउन है, तो वो कौन सी प्रकार की नाउन है। जो स्ट्रीट शब्द गलियां तो बहुत होती है, वो एक कॉमन नाउन है। अगर मैं इसी स्ट्रीट को एक नया नेम दे दूं, मैन स्ट्रीट, मैन स्ट्रीट, तो मैंने कॉमन नाउन को एक स्पेशल नाम दे दिया, और कॉमन नाउन को स्पेशल नाम देने से जो नाउन बनती है वो नाउन हमारे सामने आती है प्रॉपर नाउन। तो ये थी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन और प्रॉपर नाउन की परिभाषा की प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं और प्रॉपर नाउन को किस प्रकार अपन पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं अपन यूसेज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को किस प्रकार हम रिटर्न में या जब एग्जाम में ये अपन तैयारी करते हैं तो उसकी कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो मैंने दिया यूसेज ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की पहली विशेषता अगर मैं आपके सामने रखूं तो कॉमन नाउन आर, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन, कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर, इन कैपिटल लेटर, इसकी पहली विशेषता है। हमने प्रॉपर नाउन की बात की थी कि प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कहीं भी लिख लो, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में आता है, बट कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता। कॉमन नाउन में हर जगह अपन कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, बट इसका एक एंटी रूल भी है, इसी के संबंधित दूसरा रूल है वो मैं लिखता हूँ कि कॉमन नाउन है वो अपन वाक्य में कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। लेकिन दूसरा, कॉमन नाउन कैन बी रिटन इन कैपिटल लेटर, कॉमन नाउन कैन बी रिटन इन कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स द सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि कॉमन नाउन को कहीं अपन कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। इन दोनों रूल को अच्छी तरह से समझेगा। मैंने कहा कि कॉमन नाउन आर नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर, हर जगह कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता, बट कॉमन नाउन कैन बी रिटन इन कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स द सेंटेंस। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, अपने एग्जांपल के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा। एक नंबर एग्जांपल मैंने लिखा, आई
हेल ब्लाइंड बॉय, आई हेल्प ए ब्लाइंड बॉय। दूसरा मैंने लिया डॉग्स, डॉग इज अ फेथफुल, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों सेंटेंस में नाउन का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, अगर यूज हुआ है तो वो कौन कौन सी नाउन है और उसमें कहाँ गलती हो सकती है। आई मैंने प्राइमरी के रूप में यूज किया है, हेल्प ए ब्लाइंड बॉय, इसमें बॉय है वो नाउन है, डॉग है वो नाउन है और एनिमल है वो नाउन है। फर्स्ट ऑल ऑफ हमको देखना है कि आई प्रोनाउन बॉय है वो कॉमन नाउन है, डॉग कॉमन नाउन है और एनिमल कॉमन नाउन है। मैंने ये कहा था कि कॉमन नाउन को अपन कैपिटल में नहीं लिखते, लेकिन दूसरे रूल में ये कहा था कि जब कॉमन नाउन से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां कॉमन नाउन को अपने कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे ये डॉग वर्ड है, ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, इसलिए हमने डी मेन कैपिटल दिया, बट यहां से शुरू होने के बाद जब तक वाक्य में फुल स्टॉप नहीं आ जाता तब तक बीच में कितने भी कॉमन नाउन आए उनको भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे मैं एनिमल को इस प्रकार लिखता हूं तो ये राइटिंग की एरर मानी जाएगी, यानी कि कॉमन नाउन को यहाँ पर कैपिटल में नहीं लिख सकते, प्रॉपर नाउन होती तो लिख देते। अगर यहाँ बॉय को मैं इस तरह लिखता हूं तो यहाँ पे ये रिटर्न की कॉमन एरर है और इसमें हमारे नंबर काटे जाएंगे। अगर रिटर्न एग्जाम हो तो रिटर्न एग्जाम में इस प्रकार की गलतियों में बहुत से अंक सालों काटे जाते हैं। तो अपना ये कॉमन नाउन का पहला यूसेज था कि कॉमन नाउन को वाक्य की प्रारंभ में कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है, लेकिन मिडल में और अंत तक अपन कभी कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। दूसरी बात चली कॉमन नाउन की, नंबर की। अगला जो यूसेज है, कॉमन नाउन है वो अपनी मूल अवस्था में सिंगुलर रूप में होती है, यानी कि एक वचन रूप में होती है। कॉमन नाउन मूल अवस्था में सिंगुलर होती है, बट कॉमन नाउन को प्लुरल रूप में चेंज किया जाता है, यानी कि अपने जो प्रॉपर नाउन पढ़ी थी, प्रॉपर नाउन का एक ही वचन था वो था सिंगुलर, यानी कि प्रॉपर नाउन का हमेशा एक वचन रूप ही होता है, बहुवचन रूप कभी होता ही नहीं है। अगर इस ग्रेडेशन को मैं ऐसे लेकर जाऊं, जैसे कि मैंने लिखा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर जो पीछे वाले नाउन हमने पढ़ी थी, यहां पे दे दिया प्रॉपर नाउन और यहां पे दे दिया कॉमन नाउन। अगर अपन नंबर की बात करें, अगर हम वचन की बात करें, तो प्रॉपर नाउन का हमेशा एक ही वचन होता है, वो होता है सिंगुलर, जैसे राम, जयपुर, इनका प्लुरल रूप नहीं होता। बट कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो इसका सिंगुलर प्लुरल दोनों रूप होते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिया मैं, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, बट इसको प्लुरल बनाया जा सकता है। जैसे एक वर्ड दिया मैंने वुमन, सिंगुलर है, बट इसका प्लुरल रूप बनाया जा सकता है और इसका उच्चारण होता है विमेन, विमेन। इस प्रकार मैन का मेन, वुमेन का विमेन, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, टॉय का टॉयज, एनिमल का एनिमल्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स। यानी कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तुलना करें तो प्रॉपर नाउन का एक ही वचन होता है, सिंगुलर प्लुरल रूप इसका नहीं होता। कॉमन नाउन की बात करें तो इसका सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूपों में चलती है, और एक वचन और बहुवचन का जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो हमेशा कॉमन नाउन का ही होता है। कॉमन नाउन की प्राय सभी कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लुरल रूप बनता है। तो ये कॉमन नाउन के नंबर की बात चली। अगर मैं बात करूं आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा कॉमन नाउन से प्रो आर्टिकल यूज होता है या नहीं होता है, जो अपना आर्टिकल होता है, आर्टिकल में अपन ए एन दे लेते हैं, ए का अर्थ एक होता है, एन का अर्थ एक होता है, बट दे का अर्थ क्या होता है, दे का अर्थ डमी होता है, दे का कोई अर्थ नहीं होता। किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर प्रेशर डालने के लिए, इंगित करने के लिए अपन दे का यूज करते हैं, बाकी वैसे ए एन की तरह दे का कोई सेंस नहीं होता। अगर मैं दे की बात करूं तो इसमें भी काफी भ्रांतियां हैं, टी एच सी को कुछ लोग इसको
द बोलते हैं, कुछ लोग दा बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं। इस भ्रांति को मैं दूर करना चाहूं तो आप बताएंगे मुझे इसका सही उच्चारण क्या होता है। इसका इत उच्चारण होता है द, एक उच्चारण होता है दी, एक उच्चारण होता है दी। ये तीन उच्चारण होते हैं। अगर इन तीनों की बात करें, कब इसको अपन द बोले, कब इसको छोटी दी के रूप में बोले, कब इसको बड़ी दी के रूप में बोले। अगर इसके बाद कोई वर्ड आता है इस प्रकार, यानी कि टीएचसी के बाद जो नाउन आई कव, इसकी शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होती है, इसका उच्चारण बोला जाता है द। अगर टीएचसी के बाद जो नाउन आती है, ये तो डेफिनेट है कि आर्टिकल के बाद दे आ गई, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल साउंड के साथ होता है तो इसको बोला जाता है दी, जैसे दी एलिफेंट, दी एंट, इस प्रकार। अगर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, जैसे द ग्रेटेस्ट मैन, अगर टीएचसी के तुरंत बाद ईएसटी लगी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, इसका उच्चारण होता है दी ग्रेटेस्ट, दी एलिफेंट, द काउ। इसका उच्चारण दा का भी होता ही है, भूल के भी कभी आप दा का यूज नहीं करें। तो अपनी जो बात चल रही थी आर्टिकल की, ए एन दी, जो दी होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी निश्चित वस्तु के लिए आता है, और ए एन होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, अननोन वस्तु के लिए अपन काम में लेते हैं। जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन जब ये सिंगुलर नंबर के रूप में यूज हो, एक वचन के रूप में यूज हो, तो डेफिनेटली ए या एन का यूज इससे पहले होता है। जैसे आई सा ए बेगर, सी मैट ए बॉय, राहुल बॉट ए बुक। देखिए बेगर कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, बुक कॉमन नाउन है, तीनों से पहले मैंने ए का यूज किया है। बट अगर यही जो नाउन है इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड की जगह वोवल साउंड से होती तो मैं इसकी जगह एन का यूज कर लेता, दोनों में इतना सही डिफरेंस है। जिस नाउन की प्रोनंसिएशन वोवल साउंड से शुरू होता है उससे पूर्व एन आता है, और जिस नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है उससे पहले हमेशा अपन ए का यूज करते हैं। तो जो कॉमन नाउन है अगर सिंगल अवस्था में हो, और इसमें लिसनर अगर इस चीज के प्रति अननोन है, इसमें मैंने कहा कि आई सा ए बेगर, आपको क्या पता मैंने कौन सा भिखारी देखा, तो आप लिसनर में अगर किसी नाउन के बारे में सिंगुलर सॉरी किसी नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हों तो उससे पूर्व हमेशा आर्टिकल डेफिनेट दे आता है। बट अगर कॉमन नाउन के बारे में सिर्फ स्पीकर जानता है, लिसनर नहीं जानता, तो उससे पूर्व आर्टिकल या तो ए आता है या फिर एन आता है। जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि यस्टरडे आई मेट ए ब्लाइंड मैन, कल मैं एक किसी अंधे व्यक्ति से मिला, आपको क्या पता वो व्यक्ति कौन था, यानी मैंने तो आपको सूचित किया, आपके लिए वो व्यक्ति अननोन है। इस प्रकार की कंडीशंस में अगर कॉमन नाउन के बारे में सिर्फ स्पीकर जानता हो, लिसनर नहीं जानता हो, तो उसको अननोन मानकर उससे पहले ए या एन का यूज कर लिया जाता है। बट अगर कॉमन नाउन के बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हो तो उससे पूर्व अपन आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी कि मैंने कहा कि आर्टिकल द का यूज कब होता है, आर्टिकल द, आर्टिकल द का यूज कॉमन नाउन से पूर्व दो कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशन ये होती है रिपीटिशन, रिपीटिशन यानी कि कॉमन नाउन की जब कोई पुनरावृत्ति हो रही हो, या फिर कोई कॉमन नाउन को खास बनाया जाता है, खास बनाया जाता है। किस प्रकार बनाते हैं वो चीज आपको मैं बताऊंगा, कि या तो कॉमन नाउन रिपीट होती हो या कॉमन नाउन को खास बनाया जाता है, तो दोनों कंडीशंस में अपन कॉमन नाउन से पूर्व आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी कि जैसे मैंने वॉइस लिसनर स्पीकर वाली बात होगी, उससे पहले मैं एक बात कर दूं, जैसे अपन कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन में एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर, एक होता है थर्ड पर्सन,
बारे में हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि स्पीकर कोई बात कह रहा है लिसनर को और इस थर्ड व्यक्ति की बात हो रही है, अगर इस थर्ड व्यक्ति को स्पीकर और लिसनर दोनों अच्छी तरह जानते हैं तो फिर ये नाउन को खास बना रहे हैं, उस कंडीशन में अपन आर्टिकल दे का यूज करते हैं। अगर इस थर्ड पर्सन को सिर्फ स्पीकर जानता है लिसनर नहीं जानता है, उस कंडीशन में अपन दे का यूज नहीं करते। जैसे मैंने कहा आई हैव ए गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगीठी है। आई हैव ए गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगीठी है, आपको पता नहीं कैसी अंगीठी है। अगर मैं आपको कहूं, सबसे पहले ब्लैंक छोड़ दूं, द गोल्ड रिंग विच यू गेव मी, वो सोने की रिंग जो आपने मुझे दी थी, इट मीन्स उस रिंग के बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये अपना ये हो जाता है कि स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं तो उस नाम से पूरा अपना आर्टिकल दे का यूज करते हैं। इन दोनों कंडीशंस का एक एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि किस प्रकार नाउन को खास बनाया जाता है और किस प्रकार नाउन अपने आप खास होती है। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, वंस देयर वाज किंग, फिर मैंने दिया किंग वाज ब्रेव मैन, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। वंस देयर वाज किंग, किंग वाज अ ब्रेव मैन। अब आप लिसनर हैं, मैं स्पीकर हूं, मैंने आपको कहा वंस देयर वाज अ किंग, पहली बार जब मैंने किंग कहा आपको पता नहीं मैं कौन सी राजा की बात कर रहा हूं, तो आपके लिए अननोन है बट मेरे लिए नोन है, तो इसलिए दोनों को पता नहीं मैंने यूज कर दिया एक। बट दूसरी बार जब मैंने किंग शब्द काम में लिया आपको पता चल गया इस किंग की बात हो रही है, मतलब ये नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस किंग के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, इस कंडीशन में यहां यूज होगा दे का। वंस देयर वाज अ किंग, द किंग वाज अ ब्रेव मैन। इसको चाहे तो आप ऐसे कह दो कि जब नाउन का रिपीटेशन होता है सेम नाउन का, कॉमन नाउन का, तो उससे दोबारा जब रिपीटेशन होगा उसी पर आर्टिकल दे आएगा, यानी किंग शब्द का यह रिपीटेशन हो रहा है। दूसरे अपन अगर ग्रामेटिकल शब्दों में बात करें तो ऐसा भी हो रहा है कि पहली बार जब मैंने बोला कि एक बार एक राजा था आपको पता नहीं था कौन सा राजा, दोबारा मैंने राजा शब्द काम में लिया तो आपको पता चल गया कि इस राजा की बात हो रही है, तो स्पीकर और लिसनर दोनों जान गए, इस कंडीशन में इसी प्रो आर्टिकल दे का यूज हो गया। दूसरी बात चली कि जब कॉमन नाउन को खास बनाया जाता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, ये अभी बोला भी था मैंने हैव गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग कि मेरे पास एक सोने की, आई हैव ए, मैं सॉरी गोल्ड चिकार देता हूं, मैं आई हैव रिंग, पहला सेंटेंस। दूसरा लिया मैंने रिंग, रिंग विच यू गेव मी। देखिए दोनों ब्लैंक से पहले ही ब्लैंक के बाद मैंने नाउन को डाला है, क्योंकि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन से पहले ही होता है, ए एन डी अगर आ गया तो डेफिनेटली उसके बाद नाउन आएगी। ए एन जो आर्टिकल है उसका यूज काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व नहीं होता, दे है उसका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों से पूर्व प्रयोग हो जाता है। आई हैव रिंग, मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक अंगीठी है, बट यू डोंट नो विच काइंड ऑफ रिंग आई हैव, मेरे पास कौन सी प्रकार की अंगीठी है, तो आप अननोन है, तो मैंने यहाँ पे ए का यूज कर लिया, और इसलिए ए एन का यूज अननोन नाउन से पूर्व होता है, यानी कि इनडेफिनेट नाउन से पूर्व होता है। दूसरा वाक्य ये लिया मैंने रिंग विच यू गेव मी की अंगीठी जो आप लोगों ने मुझे दी थी, इट मीन्स इस अंगीठी को आप भी जानते हैं और इस अंगीठी को मैं भी जानता हूं और इस नाउन को मैं खास बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस कंडीशन में यहाँ पे यूज हो जाएगा दे का। तो ये अपने आज कुछ कॉमन नाउन के रूल्स थे, अगर आपको ये रूल्स अच्छे लगे समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कॉमन नाउन के नेक्स्ट रूल्स के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।